यूपीएससी सीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसकी तैयारी करते समय एस्पिरेंट्स को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन समस्याओं में सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं शामिल हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा दी है, उनके लिए भारत सरकार की तरफ से एक गुड न्यूज आई है। दरअसल भारत सरकार की एक कंपनी ने यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिसे एस्पिरेंट्स को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। बता दें कि इस बार यूपीएससी सीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा 16 जून 2024 को आयोजित की थी। इस बार प्रीलिम्स की परीक्षा को पास करने वाले एस्पिरेंट्स को सरकार की कंपनी की तरफ से 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड निर्माण यानी नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेन्स एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नाम से स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को अब आर्थिक रूप से मदद की जाएगी। यह योजना ऐसे युवाओं के लिए है जो कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी खनन जिले के स्थायी निवासी हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8,00,000 रुपए से कम है। स्कीम का लाभ लेने के लिए यदि उम्मीदवार पुरुष हैं तो उन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति का होना चाहिए। इसके अलावा महिला या थर्ड जेंडर भी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्रों के स्थायी कर्मचारी और कोल इंडिया या उनकी किसी कंपनी के बच्चे इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया योजना के पोर्टल पर यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा या वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों की घोषणा होने से अगले दिन से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एस्पिरेंट्स को प्रीलिम्स परीक्षा देने के बाद कट ऑफ को ध्यान में रखना भी जरूरी है, क्योंकि इसी कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए ही निर्माण स्कीम का फायदा मिलेगा।